आप अपने रोजमर्रा के मुशाहे में बेशुमार चीज़ें देखते हैं इनमें से बास चीज़ें हरकत कर रही होती हैं और बास साकिन। मसलन ये खिलौना हरकत कर रहा है और मेज़ पर रखी हुई ये किताब पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा साकिन हालत में है इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करती हैं बास चीज़ें ख़ मस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही होती हैं और बास दायरे में अगर एक लकड़ी के टुकड़े को रस्सी से बांधकर घुमाएं, तो जो हरकत पैदा होगी वो दायरे में हरकत की एक मिसाल है कुछ चीज़ें अपने महवर के गर्द हरकत करती हैं और कुछ अपनी साकिन हालत के इर्द गिर्द इरताश पैदा करती हैं मसलन ये खिलौने का पहिया जो अपने महवर के गिर्द हरकत कर रहा है इसी तरह अगर हम एक रबर को खींच कर छोड़ दें तो ये इरताश पैदा करता है इसके अलावा आप ये भी मुशाह करते हैं कि चीज़ें आहिस्ता और कुछ चीज़ें तेज़ी से हरकत करती हैं और बास हरकत करती हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साकिन हो जाती हैं अज़ीज़ तलबा हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का हालत सकून और हरकत करते हुए मुशाह किया इन सब बातों से ये तासर क़ायम होता है के सकून यानी रेस्ट और हरकत यानी मोशन का कुत यानी फोर्स से गहरा ताल्लुक़ है आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौजूद से मुतल बुनियादी बातों पर बहस करेंगे आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस की अतलाह में हरकत और सकून से क्या मुराद है मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे एक खातून खड़ी हैं इनके पास से एक कार गुजर रही है इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि सड़क के किनारे खड़ी ख़ातून के लिहाज से कार अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है यानी कार हरकत कर रही है इसी तरह अगर ये कार सड़क पर खड़ी खातून के पास आकर रुक जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब कार की पोजीशन